जी बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है इफ़ वाई इज इक्वल टू ए कॉज लॉग नेचुरल प्लस बी साइन लॉग नेचुरल डेट एक्स केयर डी स्केयर वाई डी एक्सर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है बच्चों अब हम ये क्वेश्चन नंबर नाइन स्टार्ट करते हैं जी बच्चों तो ये क्वेश्चन नंबर एट था जो हमने इसको सॉल्व किया ठीक है तो अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आते हैं जी बच्चों तो गिवन डेट दिया हुआ है तो क्या करें डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है दोनों तरफ एक्स डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा डी वाई होगा डी एक्स हाँ जी जब इसको डिफरेंशियट हम दोनों तरफ करेंगे तो इसको पहले होल के ऊपर अप्लाई कर दें ए कॉज लॉग नेचुरल एक्स प्लस बी साइन हाँ जी लॉग नेचुरल एक्स ठीक हो गया अब क्या करें इसको अलग डेरिवेटिव दे दें दे और इसको अलग दे दें तो ये बन जाएगा जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट तो आ जाता है बाहर डेरिवेटिव किसका लेते हैं वेरिएबल का तो वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स ठीक हो गया बच्चों इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बी तो आ जाएगा बाहर डेरिवेटिव किसका लेंगे वेरिएबल का वेरिएबल मीन साइन ऑफ लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव ठीक है बच्चों चलन जी तो ये बन जाएगा मेरा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हाँ जी ए कॉस और ये आपका यू ठीक है तो कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन यू ठीक है ये बन जाएगा माइनस का साइन यू यू मीन आपका लॉग नेचुरल एक्स और फिर क्या होता है आगे होता है डी यू ओवर डी एक्स तो डी यू ओवर डी एक्स तो इस केस में यू आपका क्या है लॉग नेचुरल एक्स है ठीक है प्लस इसी तरह बी बाहर आ जाएगा साइन और ये आगे यू एंगल है ना तो साइन इसको मैं यू का नाम देता हूँ तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज यू फिर डी यू ओवर डी एक्स तो ये इसका मतलब है साइन लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स फिर एंगल का विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स भी डेरिवेटिव लेंगे यानी लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है बच्चों तो ये बन जाएगा माइनस का ए साइन ऑफ लॉग नेचुरल एक्स हाँ जी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों वन ओवर एक्स ठीक है प्लस इसी तरह बी कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन ओवर एक्स ठीक है बच्चों तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी ठीक है अब आपने क्या करो हाँ जी इन दोनों में से वन ओवर एक्स कामन ले लें ठीक है तो ये वन ओवर एक्स बाहर आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा माइनस का ए साइन ऑफ लॉग नेचुरल एक्स प्लस बी कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स ठीक है तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ठीक है इस अब एक्स को ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ठीक है तो क्या करें इस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हाँ जी माइनस का ए साइन ऑफ लॉग नेचुरल एक्स प्लस बी कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स ठीक है बच्चों तो ये हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर नाइन को हमने इतना सॉल्व किया इसे आप क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दें ठीक है तो हम इसको डिफरेंशिएट किया डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया ठीक है अब इसको बच्चों क्या करना है अगेन डिफरेंशिएट करें ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या लिखेंगे अगेन अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के साथ दोबारा डिफरेंशिएट करें तो इधर का अलग डेरिवेटिव और इधर का अलग ले लें ठीक है बच्चों जी बच्चों तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हाँ जी क्या आएगा पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस दूसरा वैसे तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे आ जाएगा डेरिवेटिव पहले का तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका वन हो जाएगा ठीक है बच्चों अब यहाँ पर अप्लाई करें तो माइनस ए तो बाहर आ जाएगा साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा लॉग साइन लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स ठीक है फिर आगे डी यू ओवर डी एक्स लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन ओवर एक्स ठीक है प्लस इसी तरह बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा कॉज लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यानी कॉज यू का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन यू यानी कि माइनस साइन लॉग नेचुरल एक्स फिर लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा वो वन ओवर एक्स हो जाएगा बच्चों ठीक है बच्चों तो ये मेरे पास आ गया वन ओवर एक्स इसका डेरिवेटिव आ गया ठीक है तो अब यहां पर आप देख लें ये क्या बन जाएगा एक्स तो बच्चों ये क्या आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हाँ जी यहां से बच्चों कामन क्या आ रहा है एक तो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है एक तो माइनस कामन ले लें वन ओवर एक्स इधर भी है वन ओवर एक्स इधर भी है तो माइनस वन ओवर एक्स कॉमन ले लें ठीक है बच्चों तो इधर क्या रह जाएगा बच्चों ए कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग नेचुरल एक्स ठीक है बच्चों चलें जी अब यहाँ क्या करें इस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हाँ जी माइनस और ये चीज़ आपके पास क्या आ गई बच्चों ये आपके पास y बन गया कहाँ से पता चला फ्रॉम इक्वेशन वन से आपको पता चला कि ये चीज़ जो है ना मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि y के इक्वल है ये देखने बच्चों y इज इक्वल टू दिस ठीक है तो मेरी ये फॉर्म बनी तो इसको मैंने y के इक्वल रख दिया चले बच्चों अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ठीक है इस माइनस को लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये बन जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू जीरो और यही तो बच्चों मैंने प्रूव करना था तो ये आ गया हैंस प्रूव ठीक है बच्चों तो आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर नाइन हमने यहाँ से स्टार्ट किया ठीक है डिफरेंश किया इसको फिर अगेन हमने डिफ्रेंशिएट किया ठीक है तो जैसे हमने अगेन डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया ठीक है यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया इधर डिफरेंशियट कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके बाकी मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया ठीक है बच्चों चलें जी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टू पॉइंट एट स्टार्ट करेंगे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा हाफिज़